कोरबा में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ पुराना बस स्टैंड स्थित गीतांजलि भवन में हुआ। कोरबा वन मंडल के डीएफओ गुरुनाथन व एसपी अभिषेक मीणा ने शुभारंभ किया। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली सड़क सुरक्षा माह में सड़क दुर्घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर विस्तार से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्काउट गाइड द्वारा मेडिकल तकनीक बताई गई। सड़क सुरक्षा के नियम के पालन के साथ हेलमेट क्यों जरूरी है, वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए बताया जाएगा। कोरबा जिले में पिछले सालों की तुलना में इस साल सड़क हादसों में कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी लोग छोटी सी चूक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। डीएफओ गुरुनाथन ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की बात कही है। एसपी अभिषेक मीणा ने कहा कि यातायात पुलिस और सभी थाना चौकी द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर सड़क हादसों में अंकुश लगाने का प्रयास जारी है। सड़क यातायात नियम का पालन करने से जहां आप खुद सुरक्षित होंगे, साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। सड़क सुरक्षा का आज पहला दिन है, इस दिन हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, हमने उनको जानकारी दी है, सांस्कृतिक प्रोग्राम के थ्रू उनको जागरूक किया जा रहा है। अभी हम ये सुरक्षा रथ है, इसका भी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। अभी हम लोग ये पहले सड़क सुरक्षा का प्रोग्राम से सिर्फ शहर में हुआ करते थे, जबकि जो एक्सीडेंट्स का परसेंटेज है शहर के अंदर मुश्किल से 5% भी नहीं है। 210 मौतें लास्ट ईयर हुई हैं, तो शहर में देखेंगे तो 10 भी नहीं निकली। बाकी सारी ग्रामीण अंचलों में जो बाहर के थाने हैं उनमें, जहाँ पे हाईवेज लोकेटेड है, यहाँ पे ट्रकों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, या बाहर में होने की वजह से, नया हाईवे बनने की वजह से लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम ये अब प्रोग्राम्स को बाहर लेके जाएंगे। कटबोरा क्षेत्र हो गया, पाली क्षेत्र हो गया, दिपका क्षेत्र हो गया, करतला हो गया, उर्गा हो गया, ये सभी क्षेत्रों में इस प्रोग्राम को ले जाया जाएगा, वहीं के लोगों को जागरूक। कार्यक्रम में एएसपी कीर्तन राठौड़, डीएसपी रामगोपाल करियारे, यातायात थाना प्रभारी कोरबा दर्री, सीएसपी कटघोरा एसडीओपी सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।